वेलकम स्मार्ट लर्नर्स दिस इज़ विदुषी और आज मैं आपके साथ हमारी जो मेमोरी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तो so, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर हमारी वीडियोस आपको लग रही हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर रही हैं चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है चाहे स्कूल का या कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सो so, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया वो एक परमानेंट मेमोरी है और अगर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं विच मीन्स हम उसे कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए स्टोर कर रहे हैं तो इसे सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहा जाता है और सी कभी भी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमरी को एक्सेस नहीं करता वो वाया प्राइमरी मेमरी करता है तो अगर आपका यहाँ सी है ये आपकी मेन मेमरी है और ये आपकी सेकेंडरी मेमरी है तो डायरेक्टली एक्सेस कभी नहीं होगा हमेशा वाया मेन मेमरी होगा सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी चीपर होती है और इट नॉट ओनली यूजफुल फॉर बैकअप द फाइल्स बट एलो द कंप्यूटर यूजर टू एक्सपेंड दर एबिलिटी टू ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू अनदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस और जो हम अब जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है वो उसको एक्सेस करने के दो वेज रहते हैं सबसे पहला जो है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या रहता है हम डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करते हैं जैसे नाम से ही पता चल रहा है पहले फर्स्ट डेटा एक्सेस होगा देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ एंड सो ऑन तो इस तरह से जो हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं डैट इज़ सिक्वेंशियल एक्सेस अब ये सीक्वेंशियल एक्सेस यूज़ कहाँ होता था ये यूज़ होता था जो हमारी ओल्ड मैग्नेटिक टेप्स होती थी जो हमारी ऑडियो टेप्स होती थी तो हम वन बाय वन जो है सॉन्ग प्ले कर पाते थे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे सीक्वेंशियल एक्सेस को यूज़ करते थे अब ये जो हमारे पास पुरानी मैग्नेटिक टेप्स होती थी जिस तरह की हमारे पास पुरानी मैग्नेटिक टेप्स होती थी अब उसमें हम कह सकते हैं अगर सीक्वेंस में डेटा स्टोर हो रहा है यानी कि रिकॉर्ड जो है वो सीक्वेंस में स्टोर हो रहा है तो वी कैन से डैट इट रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एरे तो डेटा किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है किसी एरे के फॉर्म में स्टोर हो रहा है और इस तरह इसमें क्या होते थे नाइन ट्रैक्स होते थे नाइन डिवीजनस होते थे ट्रैक्स होते थे, ठीक है और जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स होती थी वो किसकी बनी होती थी इट कंसिस्ट ऑफ माइलर वो माइलर से बनी होती थी और उसके ऊपर कोटिंग की जाती थी फेरिक ऑक्साइड की सो so, जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स है वो माइलर से बनी जा, बनती थी इट कंसिस्ट ऑफ माइलर द कोटिंग ऑफ फेरिक ऑक्साइड टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने होते थे नाइन होते थे We can see that the records are stored like an array और इसकी क्या रहती थी storage capacity कम रहती थी it has low storage capacity then उसके बाद हमारे पास aaye random access अब जो random access था जैसे नाम से ही पता चल रहा है इधर भी कि जो रेंडमली हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं यानी कि वी कैन गो directly टू एनी पार्ट ऑफ द डेटा देर इज नो नीड टू गो इन अ पर्टिकुलर sequence तो रेंडम एक्सेस का यूज़ हम ऑप्टिकल डिस्क यानी कि हमारी cd, dvds में करते थे करते हैं और मैग्नेटिक डिस्क यानी कि हमारी हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क जिप डिस्क जो हैं वहाँ पे हम रेंडम एक्सेस डेटा करते हैं अब रेंडम एक्सेस में हमारे पास बहुत सारी डिस्क हैं जैसे मैंने आपको यहाँ बताया तो हम वन बाय वन सभी डिस्क को डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसका आर्किटेक्चर समझना है डेट इज़ हार्ड डिस्क क्योंकि हार्ड डिस्क से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं तो जो हार्ड डिस्क है वो जिसकी बनी होती है जो वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसे बोला जाता है कोबाल्ट बेस्ड एलॉय तो वो कोबाल्ट बेस्ड एलॉय की बनी जाती है यानी कि उसमें आयरन क्रोमियम निकल ये सब होता है तो जो आ, मैं यहाँ से रीड आउट कर लेती हूँ दे आर फिक्सड नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटीरियल कोबाल्ट बेस्ड एलॉय तो कोबाल्ट बेस्ड एलॉय की बनती है और जो हमारे पास ये सर्कुलर डिस्क होती है मैग्नेटिक इसके ऊपर फर्दर डिवीजन होती है तो इस फर्दर डिविजन्स को कहा जाता है ट्रैक्स ठीक है और इस ट्रैक्स के ऊपर फर्दर जो डिवीज़न की जाती है उसे कहा जाता है सेक्टर तो अब होता क्या है कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचा जाता है और फिर उस ट्रैक पे पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंचा जाता है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पहुंच के वहाँ से डेटा को या राइट किया जाता है अब इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है एक रीड राइट हेड का यूज़ किया जाता है और ये जो हमारी सर्कुलर डिस्क होती हैं इसे रोटेट इसकी रोटेशन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या इन्हें होल्ड करने के लिए स्पिंडल का यूज़ किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे फिक में ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है ये जो ये आप देख रहे हैं डैट इज़ रीड राइट हैड ये हमारे पास स्पिंडल है जिसने हमारी हार्ड डिस्क को होल्ड करके रखा हुआ है ठीक है इसे इस ये जो सर्कुलर हार्ड डिस्क है इसे कहा जाएगा प्लेटर तो इस प्लेटर के ऊपर फर्दर जो डिवीजन है डेट इज ट्रैक इस ट्रैक के ऊपर फर्दर पार्टीशन को क्या कहा जाता है सेक्टर तो ये आप देख रहे हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैक्स होते हैं उसे सिलेंडर कहा जाता है तो अब होता क्या है जब हमारा ये राइट हेड -right जो है ये मूव करता है तो सबसे पहले ये उस लोकेशन पे जाता है उस ट्रैक पे जाता है जहाँ पे हमारा डेटा है ठीक है अब उस ट्रैक पे पहुँचने के बाद फिर ये उस पर्टिकुलर सेक्टर पे जाएगा जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है उस ट्रैक के और वहाँ से हमारा डेटा जो है फिर ट्रांसफ़र होता है यानी कि सपोज़ ये हमारे पास ट्रैक्स हैं ठीक है थीके? तो इसने ये जो रीड राइट हेड है सपोज हमारा डेटा इस ट्रैक पर है तो सबसे पहले वो इस ट्रैक पर आएगा इस ट्रैक पर आने के बाद सपोज़ हमारा डेटा इस ट्रैक के इस सेक्टर पे है ये ट्रैक फर्दर डिव, डिवाइड है तो इस सेक्टर पे हमारे पास डेटा है ठीक है तो इस सेक्टर को यहाँ तक रोटेशन से यहाँ पे लाया जाएगा और फिर हमारा डेटा जो है वो रीड या राइट किया जाएगा ठीक है तो इस प्रोसेस में हमारे पास तीन टाइम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं अब वो थ्री टाइम्स क्या हैं सबसे पहले हमारा आता है सीक टाइम सीक टाइम क्या होता है द टाइम टेकन बाय द रीड राइट टू रीच द डिज़ायर्ड ट्रैक फॉम इट्स करेंट पोजिशन तो अपनी करंट पोजिशन से वो उस डिज़ायर्ड ट्रैक पे जब पहुंचता है उसे कहा जाता है सीक टाइम ठीक है अब उस डिज़ायर्ड पोजिशन पे पहुंचने के बाद जब वो डिज़ायर्ड सेक्टर पे पहुंचता है उसे कहा जाता है लेटेंसी टाइम ठीक है अब उस सेक्टर पे पहुंचने के बाद जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है डेट इज़ द डेटा ट्रांसफर टाइम और इन सबको मिलाकर कहा जाता है एक्सेस टाइम डैट इज एक्सेस टाइम कि हमारा टोटल एक्सेस टाइम क्या लगा तो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम और देन डेटा ट्रांसफर टाइम इन सब को बोलेंगे हम अपना एक्सेस टाइम तो ये था हमारे पास हार्ड डिस्क तो हार्ड डिस्क का आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह हमारी हार्ड डिस्क जो है वो काम करती है उसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक डिस्क हैं जिसमें कि हमारी फ्लॉपी डिस्क रहती है फ्लॉपी डिस्क भी इसी तरह हमारे पास ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होती है और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो क्या आ सकता है कि फ्लॉपी डिस्क कितनी टाइप्स की होती हैं तो आपको पता है मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि फ्लॉपी डिस्क हमारे पास दो साइज की थी वन पॉइंट फोर फोर एम बी और 1.25 पॉइंट में राइट तो ये हमारे पास दो जो थी कैपेसिटीज की जो थी हमारे पास फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल थी ये साइज रहता था हमारी फ्लॉपी डिस्क का उसके बाद हमारे पास आई जिप डिस्क जिप डिस्क में क्या था हमारे पास ये भी एक तरह की हमारी फ्लॉपी डिस्क थी बट इसमें क्या था ये रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क थी अब ये हमारे पास जब रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क आई बट इसमें क्या हुआ हमारे पास जिप डिस्क में हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी थी हमारे पास फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी वन पॉइंट फोर फोर एम बी और वन पॉइंट टू फाइव एम बी बट जो हमारे पास जिप डिस्क थी इसमें जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो एक्सटेंड हो गई इसमें क्या थी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी एक्सटेंड हो गई यानी कि इसमें पहले हंड्रेड एम बी में यह हमारे पास अवेलेबल हुई फिर ये हमारे पास टू फिफ्टी एम बी में आई देन ये हमारे पास लास्ट में सेवन फिफ्टी एम बी में जो थी अवेलेबल हुई बट ये कभी भी इतनी फेमस नहीं हुई जितनी कि हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव इंच की फ्लॉपी डिस्क फेमस हुई थी ठीक है तो ये थी हमारे पास जिप ड्राइव जिप डिस्क देन उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क आई तो ऑप्टिकल डिस्क में जैसे कि आप जानते हैं जो ऑप्टिकल डिस्क थी जो ऑप्टिकल डिस्क थी उसमें किसका यूज़ हो रहा है उसमें भी हमारे पास एक ऑप्टिक्स का मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं एक लाइट का यूज़ हो रहा है वो लेज़र टेक्नोलॉजी पे बेस है तो लेज़र लाइट की हेल्प से हम उसमें डेटा को रीड या राइड कर सकते हैं और जो उसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है यानी कि जो आप अपनी सीडीज़ में देखते हैं शाइनी सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस क्यों होता है क्योंकि हमारी सीडीज़ में कोटिंग की जाती है एल्युमिनियम की और रेयरली वैसे गोल्ड की की जाएगी बट जो हमारे पास कॉमन सीडीज़ रहती हैं उसमें हमारे पास जो उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो इसलिए है क्योंकि उसके डिस्क में हमारे पास कोटिंग की जाती है किसकी अलमूनियम की और जो हमारे पास ये हमारी प्लास्टिक की जो आप हमारी सीडीज़ डीवीडीज़ देखते हैं ये पॉलीकार्बोनेट की बनी होती हैं ठीक है और हाँ जिस तरह हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स माइलर की बनी होती थी उस तरह हमारे उसी तरह हमारे पास जो ये डिस्क थी वो भी माइलर की बनी हुई बनी हुई होती थी तो माइलर एक फ्लेक्सिबल टी जो है वो प्रोवाइड करता था तो वो माइलर की बनी होती थी ठीक है और उसमें भी हमारे पास ऑक्साइड की वो थी कोटिंग थी देन हमारे पास ड्राइव साइड देन जो हमारे पास ये सीडीज आई ये हमारे पास तीन फॉर्मेट्स आए तीन टाइप साइज की सबसे पहले हमारे पास आई सी डी रोम सी डी रोम जैसे रोम क्या एक है एक रीड ऑनली मेमोरी है यानी कि हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं जो हम पहले सी uh, डीज़ लाते थे मार्केट से तो हम उसमें से जो सॉन्ग्स थे सिर्फ सुन सकते थे राइट हम कुछ कर नहीं सकते थे हम सिर्फ उसको लगाते थे और सॉन्ग सुनते थे तो वो क्या थी हमारे पास सी डी रोम थी द सी डी रोम इज़ द रीड ऑनली डेस्क दिस these types of disk are created commercially and you can't save the data to them once they have been created then uske baad hamare paas aaya compact disk recordable cdr aur isme kya tha hum ek bar data ko write kar sakte the aur multiple times hum data ko read kar sakte the पर जो डेटा record हो रहा है वो हम कर सकते थे पर सिर्फ एक ही बार multiple times यानी कि कोई second chance नहीं मिलेगा डेटा को write करने का उसके बाद हमारे पास आया ए कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल यानी कि मल्टीपल टाइम्स हम डेटा को राइट भी कर रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं यानी कि हमें इसमें क्या है कर, एक फ्लेक्सिबिलिटी uh, प्रोवाइड हो गई कि हम डेटा को इरेज भी कर सकते हैं आपने अगर अगर सी डी पे कभी राइट किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप जो सी डीज़ को सी डीज़ को बर्न करते थे और बर्न करने के बाद आप उसमें डेटा सेव करते थे ये यूजुअली बच्चे जब कोई प्रैक्टिकल्स अपने सीडीज़ पे सेव करते थे या फिर कोई प्रोजेक्ट सेव करते थे तो सीडीज़ को बर्न किया जाता था तो उस बर्न में क्या किया जाता था कि आप सीडी पे राइट कर सकते थे ठीक है तो ये फीचर जो था जो राइट का था आपको सीडी बर्न करने की हेल्प से मिलता था तो अब ये सीडी बर्न जब आप करते थे तो बेसिकली अब जो हमारे पास ये ऑप्टिकल डिस्क है जो सीडी डी की हम बात कर रहे हैं इसमें डेटा को रीड या राइट किस तरह किया जाता है सो ऑप्टिकल डिस्क अ लेयर वेयर पिट्स एंड लैंड कंटेन द डिस्क डेटा तो जो हमारी ये ऑप्टिकल डिस्क होती है बेसिकली इसमें इस तरह की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है ठीक है so, तो ये जो सरफेस होती है अपर इसे बोला जाता है लैंड और ये जो ग्रूव्स से बनते हैं डेट इज पिट्स और यहाँ पे क्या होता है हमारा वन स्टोर होता है और यहाँ पे हमारा जीरो स्टोर होता है ठीक है अब होता क्या है हमारे पास जब लेज़र लाइट हमारे इस सीडी के ऊपर आती है तो हमारे पास क्या होता है अगर वो लेज़र लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है लैंड पे स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पे फोटो सेल एक फोटो सेल लगा रहता है ठीक है तो जब वो यहाँ पे स्ट्राइक करती है लैंड के ऊपर तो वो रिफ़्लेक्ट कर जाती है हमारी रे रिफ़्लेक्ट कर जाती है और फोटो सेल को डिटेक्ट हो जाता है कि उसने वन रीड किया है ठीक है तो फोटो सेल क्या रीड कर लेता है वन पर जब हमारी लेज़र लाइट पिट के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो रिफ़्लेक्ट नहीं करती ठीक है और जब वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो लेज़र जो हमारा फोटो सेल है वो डिटेक्ट कर लेता है कि उसने ज़ीरो रीड किया है तो मीन्स रिफ्लेक्शन का मतलब है रीड वन और नो रिफ्लेक्शन मीन्स जीरो ठीक है जब रिफ्लेक्शन हो रही है इट मीन्स कि क्या रीड हुआ है वन और जब कर, जो जब रिफ्लेक्शन नहीं होती है इट मीन्स कि जीरो रीड हुआ है सो ऑप्टिकल डिस्क हैव अ लेयर वेयर पिट्स एंड लैंड फ्लैट एरिया कंटेन द डेटा ए पिट रिप्रेजेंट जीरो वेयर एज लैंड रिप्रेजेंट वन वेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज हाई मीन्स लेजर स्ट्राइक द लैंड वन इज रेड तो क्या पढ़ा जाता है वन यानी कि फोटो सेल क्या रीड करेगा वन और जब रिफ्लेक्शन नहीं होती है तो क्या रीड होता है जीरो वेन देयर इज नो रिफ्लेक्शन मीन्स द लाइक लेजर स्ट्राइक्स पिट सो जीरो इज रेड ठीक है तो इस तरह से हमारे पास सॉरी ये हमारी सीडी में सी डी डी में इस तरह से पिट्स और लैंडस होते हैं तो इसे बोला जाता है पिट इसे लैंड ठीक है यहाँ से लेज़र लाइट स्ट्राइक करती है और जब वो लैंड के ऊपर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और फोटो सेल डिटेक्ट कर लेता है कि उसने वन रेड किया है ठीक है और जब रिफ्लेक्शन नहीं होती यानी कि वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी और फोटो सेल में डिटेक्ट क्या हो जाता है कि ज़ीरो हैज़ रेड ठीक है सो नो रिफ्लेक्शन मीन ज़ीरो और इसी तरह जब हम सी डी पे राइट करते हैं तो राइट भी क्या करेंगे तो सी डी को राइट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम क्या करते थे सी डीज़ को बर्न करते थे तो जब सी डीज़ को बर्न करते थे तो हम बेसिकली सी डीज़ में यही पिट्स और लैंड्स को क्रिएट करते हैं तो जब हम इन सी डी को बर्न करके पिट्स और लैंड्स को क्रिएट करते थे तो हम लैंड में वन स्टोर करते थे क्योंकि तो डेटा क्या हो रहा है डिजिटली स्टोर हो रहा है तो हम बाइनरी फॉर्मेट में तो लैंड्स में वन स्टोर करते थे और पिट्स में जीरो स्टोर करते थे ठीक है तो सी को बर्न करने का मतलब ही ये है कि जो बर्निंग ऑफ सी है इट मीन्स तो जो बर्निंग प्रोसेस है सी का इट मीन्स कि हम उसमें पिट्स और लैंड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं तो जब पिट्स और लैंड क्रिएट हो रहे हैं तो लैंड में हमेशा वन स्टोर होगा और पिट में हमेशा जीरो स्टोर होगा ठीक है सो इस तरह से हमारी सीडी जो थी वो सीडी का फॉर्मेट रहता था सो so, जो सीडी थी वो किस तरह एक प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती थी जिसे क्या कहा जाता था पॉलीकार्बोनेट और पॉलीकार्बोनेट के यहाँ पे एक कोटिंग रहती थी ये एक रिफ्लेक्टिव लेयर रहती थी जिसे बोला जाता था जो किसकी होती थी अल्मूनियम की ठीक है यूजुअली एलमियम की होती है उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन ताकि हमारी जो सीडी है वो एक्सटर्नल इन्वामेंट से बची रहे एक लेक्वर की लेयर होती थी जो प्रिवेंट करती थी ऑक्सीडेशन और उसके यहाँ पे हमारे एक बाहर जो आर्ट वर्क रहता है जहाँ पे हमारे ऊपर लिखा रहता है एक सीडी के ऊपर एक पेपर सा जो एक रहता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि सीडी है डीवीडी है तो उस आर्ट वर्क को बोला जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमारी सीडी जो थी बनती है अब बात करते हैं कि सीडी और डीवीडी में क्या डिफरेंस रहता है तो सीडी और डीवीडी में क्या डिफरेंस रहता है कि जो सीडी है इसकी मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है सेवन हंड्रेड एम तो सेवन हंड्रेड एम जो है हमारी सीडी की कैपेसिटी रहती है जबकि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होगी उसकी कैपेसिटी जो है फोर पॉइंट सेवन एम जी बी से लेके 17 GB जी बी है यानी कि अगर कोई एम सी क्यू आता है कि सी डी और डी वी डी में कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है स्टोरेज तो किसकी है डी वी डीज़ की ज़्यादा है अब जो हमारी सी डीज़ है उसकी थिकनेस रहती है वन पॉइंट टू एम बी सॉरी एम एम और जो हमारी डी वी डी है इसकी थिकनेस रहेगी जीरो पॉइंट सिक्स एम एम जो हमारी सी डीज़ हैं इसमें सिंगल लेयर ऑफ पिट्स का यूज़ किया जाता है ठीक है यानी कि सिंगल लेयर में ही हम पिट्स को बना सकते हैं एक ही साइड और जो डीवीडीज़ हैं उसमें डबल लेयर ऑफ पिट्स को डबल लेयर्स में हम पिट्स क्रिएट कर सकते हैं अब जो इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो वन पॉइंट फोर एम बी से लेकर वन पॉइंट सिक्स एम बी पर सेकेंड रहेगा और जो डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का यानी कि डी वीडीज़ का वो क्या रहेगा एलेवन एम बी पर सेकेंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि जो सी है उसके ऊपर जो लेज़र डाली जाती है जो लेज़र लाइट डाली जाती है वो क्या है वो हमारी इंफ्रारेड रेड रेस है जो सेवनटी सेवन एटी एन की है सेवन एटी नैनोमीटर वेवलेंथ की हैं और जितनी वेवलेंथ जो है हमारी छोटी होगी ठीक है जितनी हमारी वेवलेंथ छोटी होगी उसका मतलब क्या है वो सीडी हमारी उतनी कॉम्पैक्ट है और उसमें उतना ही ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है ठीक है और जो हमारी डीवीडीज़ होती थी जो उसके ऊपर लेजर लाइट डाली जाती थी वो हमारे पास रेड लेज़र होती थी और उसकी जो वेवलेंथ होती थी वो सिक्स फिफ्टी एम एम की होती थी यानी कि अगर उसकी वेवलेंथ छोटी है तो उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है उसके बाद हमारे पास ज़्यादा जो फास्ट आए वो थे हमारे पास डीवीडीज सॉरी ब्लू रे डिस्क आई ब्लू रे डिस्क में क्या था जो लेज़र लाइट डाली जाती थी डैट इज़ ब्लू लेजर और ब्लू लेज़र की जो वेवलेंथ थी वो सबसे छोटी होती थी यानी कि जो हमारे पास ब्लू रे डिस्क थी वो फास्टेस्ट थी और उसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी थी और इसलिए उसकी जो वेवलेंथ है इसका मतलब वो सबसे छोटी होगी तो उसकी वेव थी सिर्फ फोर जीरो की नैनोमीटर की थिकनेस रहती थी वन पॉइंट वन की और जो स्टोरेज साइज़ है वो ट्वेंटी फाइव से लेकर फिफ्टी जी तक रहता था डेटा ट्रांसफ़र रेट जो था हमारे पास ब्लू रे डिस्क का वो कितना रहता था थर्टी सिक्स एम बी पर सेकेंड ठीक है तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आई होप आपको समझ आए होंगे इसमें हमने हर एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपसे कवर करने की कोशिश की है इसके अलावा इसके अलावा जो हमारे पास जैसे सीडी की बहुत सारी टाइप्स रही हैं जैसे मैंने आपको बताया कि सीडी की बहुत सारी टाइप्स थी उसी तरह हमारे पास डी वी की भी टाइप्स है जैसे डी वी डी आर आई डी वी डी रीड्राइड आए डी वी डी रैम आए ठीक है तो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे ब्लू रे डिस्क जो थी वो ब्ल्यू रे आर आई ब्ल्यू रे अल्ट्रा अ, अल्ट्रा ब्ल्यू रे डिस्क हमारे पास अवेलेबल हुई मार्केट में तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डी और ब्लू रे डिस्क भी हमारी मार्केट में अवेलेबल हुई हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी। आई होप आपको समझ आया होगा सो so अगर समझ आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए थैंक यू सो मच